सऊदी अरबिया में कोरोना संक्रमण से हुई मृत्यु मामले में जिला मंडी के उपमंडल बल के पलाही निवासी दीनानाथ की देह को अपने गांव वापस लाने को लेकर परिवार वालों का एक प्रतिनिधि मंडल सोशल वर्कर हरीश कुमार की अध्यक्षता में उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर से मिला। प्रतिनिधि मंडल में परिवार के करीब आधा दर्जन सदस्य शामिल रहे, जिन्होंने दीनानाथ के पार्थिव शरीर को वापस लाने की मांग उठाई और कहा कि वे दीनानाथ का अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति रिवाज से करना चाहते हैं। आपको बता दें कि दीनानाथ का बेटा नीरज, जो कि जैक राइफल में राइफलमैन है, सूचना मिलने पर छुट्टी लेकर घर आ गया है और क्वारंटाइन में है। परिवार में मृतक की माता रामदेव तथा पत्नी बनीता देवी इस दुख समाचार सुनने पर अपनी सुत बुद्ध खो बैठी हैं। अन्य भाई बंधुओं और रिश्तेदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि मामले को प्रशासन और सरकार के समक्ष रखा जाए ताकि दीनानाथ की पार्थिव देह गांव पहुंच सके और वे सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर सके। समाज सेवी कपिल सेन ने जिला प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने की गुहार लगाई है। उसको लेकर आज डेलीगेशन यहाँ मिला डीसी महोदय से और उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी माता 83 वर्षीय वृद्ध हैं। उनका ये मानना है पूरे परिवार का कि उनकी पार्थिव देह को हिमाचल में उनके गांव में लाया जाए और वहां वो अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। जबकि कंपनी से बात हुई तो कंपनी कहती है कि सऊदी अरेबिया का रूल है कि वहाँ जो भी मृत होता है उसको उनके रूल के अनुसार दफनाया जाता है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म या जो भी धर्म के अनुसार अगर मुस्लिम होगा तो उसको दफनाया जाएगा, हिंदू होगा तो उसको जलाया जाएगा। तो हमारी यही मांग है कि उनको यहाँ लाया जाए और उनका यहाँ क्रिमेशन किया जाए। परिवार यही चाहता है और फौजी बेटा जो कि हवाई जहाज से यहाँ पहुंच चुका है, उसकी सरकार से यही मांग है कि मेरे पिता को जल्द से जल्द यहाँ उनके गांव पहुंचाया जाए ताकि हर रीति रिवाज को वो अपना सके और अपने पिता को मुख्य अग्नि दे सके। वहीं प्रतिनिधि मंडल में शामिल मृतक के भाई धमेश्वर राम ने बताया कि भाई की मौत के कारण पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है और दाह संस्कार के लिए देह का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले को वे सरकार से टेक ओवर कर रहे हैं। ऐसा था कि हमारा भाई जो है सऊदी अरब में होता था, उसका हमें 4-5 दिन बाद एक खबर आई छोटी सी सवेरे सवेरे, तो उसमें उन्होंने बोला जी आपका ब्रदर जो है, उसकी घरवाली से बोला भी आपका घरवाला जो है एक्सपायर हो गया है। तो उस हमारे को कोई उसकी पूरी खबर नहीं मिली तो बेहोश हो गई ना, उसके आगे उसके पास कोई नहीं था बंदा, तो बेहोश हो गई। तो फिर हम दौड़ के उधर आए, उसको पूछा कि ऐसा सब बोल दिया। फिर हमने उसका जो भी देखा, उसने हमारे को कोई पता सता नहीं लगा उसके बारे में, कोई उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आ रही ढंग से। हम उसका कर रहे हैं, जैसे उस बंदे ने बोला था कि 5 दिन हो गए, उसके आधार पर हमारा अपने रीति रिवाज से जो करते हैं वो छोटा मोटा कर रहे हैं, पर लेकिन हमें पूरा इसका ये नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है उसकी अगर कोई डेड बॉडी का या कोई अंग का कोई पता लग जाए, तो इसलिए हम बोलते थे।